हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशंस। तो पहले बात करते हैं कि इक्वेशंस होता क्या है। तो देखिए, इक्वेशन कुछ नहीं है, बस ये एक वेरिएबल और नंबर पर लगने वाली एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम लोगों ने लास्ट क्लास 6th क्लास में सीखा हुआ है। वेरिएबल क्या होता है कि एक अल्फ़ाबेट या उससे लेटर्स का कॉम्बिनेशन में लगा हुआ एक नाम, जैसे कि यहाँ पर एक्स, वाई, ए बी सी, टी ए आर, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें एक वेरिएबल कहलाती हैं। इसके बाद होते हैं हमारे नंबर्स। तो नंबर्स सिंपल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, वो चीज़ होती है। तो जब भी हम एक नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाकर उस पर कोई कंडीशन लगाते हैं, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं एक्स में से 2 माइनस करता हूं तो मेरे पास 7 आएगा। तो यहां पर एक कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है कि एक्स में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो 7 आना चाहिए। ये कंडीशन हो जाती है। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें आपका वेरिएबल एक्स है, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके नंबर्स हैं। तो बस इसी को सॉल्व करना हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज़ अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर हमें ये बताना है कि इसका ब्रैकेट में दिया हुआ नंबर सोल्यूशन है या नहीं। अब ये सोल्यूशन क्या होता है? तो सोल्यूशन वो होता है जब आप वेरिएबल की जगह वो नंबर पुट करते हैं और दोनों साइड का आंसर सेम आता है। दोनों साइड का आंसर मतलब, अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट होता है आपका LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये पार्ट होता है आपका RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये है आपका इक्वेशन का इक्वल का साइन। इक्वल के साइन में लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया आपका, और ये राइट हैंड हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि n में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ तो 19 आएगा। इक्वेशन ये है, और सॉल्यूशन क्या है कि n की जगह हमें 1 पुट करना है। तो क्या देखते हैं ये हो सकता है या नहीं? तो n की जगह पर 1 पुट करते हैं। बहुत सिंपल है, n की जगह पर 1 रख देते हैं, 5 प्लस कर दिया, सामने क्या दिया हुआ है? 19। अब प्लस करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखो, देखिए 5 प्लस 1 कितना आ रहा है? 6। 5 प्लस 1 कितना आ रहा है? 6। लेकिन सामने क्या दिया हुआ है? सामने तो 19 है। तो क्या 6 और 19 दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। यानी कि n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, तो ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो आपने इसमें आंसर में लिखना है नो, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। इतना सिंपल है ये। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू है उसको आपने वेरिएबल में पुट कर देना है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं। अगर इक्वल आती है तो सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है हमारा 7n + 5 = 19, और n की वैल्यू है -2। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नई सीखने को मिलती है कि अगर दो वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में कोई साइन ना दिया हो। 7n को ध्यान से देखिए, जब आपके पास एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ होता तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है 7 × n + 5 = 19। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब n की जगह पर क्या रखना है? n की जगह पर हमें रखना है -2। तो चलिए n की जगह पर -2 रख देते हैं। तो 7 × -2 + 5 = 19। अभी हमें पता नहीं आंसर आएगा या नहीं, अभी हमसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 × 2 = 14, माइनस का और 5 प्लस का, सामने कितना है? 19। काउंट करके देखते हैं क्या -14 + 5 करने पर 19 आता है या नहीं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्या आ रहा है? माइनस का 9 आ रहा है, लेकिन सामने क्या है? 19 है। क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं? नहीं, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं आ रही है, तो नॉट इक्वल का साइन। और फाइनल आंसर में हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट कहता है 7n + 5 = 19, और अब की बार जो n की वैल्यू है वो
2 होगी। तो देखते हैं इनकी वैल्यू 2 रखने पर ही आंसर आता है या नहीं। तो अगेन यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन लगेगी। तो मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं, 7 ब्रैकेट में n की जगह पर रख दिया 2, प्लस में रख दिया 5 इज इक्वल्स टू 19। सॉल्व करते हैं, 7 2 14 प्लस 5 सामने दिया हुआ है 19। यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर हमारा 19 आ गया है और सामने भी 19 दिया हुआ है। तो अब दोनों हिस्से हमारे बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया और राइट हैंड साइड भी बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे यस इट इज सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4p-3 इज इक्वल्स टू 13, और p की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो p की जगह 1 पुट कर देते हैं, 4 ब्रैकेट में 1-3 इज इक्वल्स टू 13। तो 4 1 4 -3 इज इक्वल्स टू 13, 4 में से 3 गया कितना आया 1, यहाँ पर कितना है 13, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो इस तरीके का साइन, और क्या लिखना है, नो इट इज नॉट सॉल्यूशन, इतना सिंपल है ये। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4p-3 इज इक्वल्स टू 13, 4p-3 इज इक्वल्स टू 13, और p की जगह क्या रखना है, -4 रखना है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो आंसर में 4 ब्रैकेट में -4 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 4 कितना हो गया, 4 4 16, 16 वो भी माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस, सामने कितना आएगा 13 आएगा। अब यहाँ पर -16 -3 कितना हो गया, -19 हो गया, ये हो गया -19, सामने क्या है 13 है। क्या दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, नहीं दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं है। क्रॉस का साइन लगा दिया और आंसर लिख दिया नो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी कि एफ पार्ट है 4p-3 इज इक्वल्स टू 13। तो 13 के बाद अब हमें लिखा हुआ है कि p की जगह हमें 0 रखना है। तो p की जगह पर 0 रख लेते हैं इस तरीके से, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 13, 4 × 0 0 − 3 = 13, 0 में से 3 गया तो बचा -3 और सामने है 13, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो इसलिए क्रॉस का साइन लगेगा, और लिख देंगे नो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नए क्वेश्चन में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।